एरिया में है ये। अच्छा जी, इससे नीचे नहीं जाएगी, 1200 से और 4000 मीटर तक आएगी। अभी कच्ची है, अभी कच्ची है। पानी वगैरह कितनी जरूरत पड़ेगी? पानी की रिक्वायरमेंट है इसकी, कम से कम जो पर डे है इसको 10 लीटर पानी पर डे चाहिए। 10 लीटर? हाँ, वैसे तो हम वीकली डालते हैं, तो वीकली इसमें कम से कम 3 घंटे हम ट्रिप चलाते हैं। वैसे समतल भूमि पे हो जाती है जैसे दाना वगैरह कोई इस्तेमाल बात तो नहीं होती है समतल भूमि में? टेम्परेचर कितना इसके लिए? कम से कम 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए जी सर। 30 से नीचे जितना भी रहे तो कोई चक्कर नहीं, 30 से ऊपर गया तो फिर जल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा इस बारी जो है 32 के आसपास जा रहा था, जल रही है। ठीक है जी। एक प्लांट कितना प्रोडक्शन दे रहा है? एक प्लांट जो है हमारा लगभग कोई, वैसे तो एवरेज 280 केजी के आसपास है, और अगर हाईएस्ट लेना हो तो 150 केजी तक हमने हार्वेस्ट किया है इसमें एक प्लांट। यहाँ से क्या मतलब रेट वगैरह क्या? यहाँ से हमारा 150 रुपये केजी उठ जाता है। 150 रुपये केजी? नहीं, साल में फ्रूटिंग टाइम कितना है? वन टाइम होता है? हाँ, वन टाइम फ्रूटिंग टाइम वन टाइम है। बाकी हमारे पास इसकी जो 5 वराइटियाँ हैं, एलिसन है, एबॉट है, मोंटी है, ब्रूनो है और हेवर्ड है, और इसमें मेल और फीमेल प्लांट जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे ये फीमेल पपीता का होता है। हाँ बिल्कुल, पर इसमें जो है फीमेल में जो है मेल में जो है फ्रूट नहीं आएगा, जैसे कि मेल प्लांट है इसका कोई फ्रूट नहीं है, इसका काम सिर्फ पोलिनेशन के लिए। ठीक है सर, पोलिनेशन के लिए लगाना पड़ता है? हाँ, ये नहीं लगाना पड़ता, 1:9 की रेशो है इसकी। ठीक है सर, तो इसमें लगाना पड़ेगा जी। प्लांटेशन इसकी जो है 6x4 मीटर में होती है, प्लांट टू प्लांट 6 मीटर और रो टू रो 4 मीटर। सीड से भी होता है और कटिंग से भी होता है, दोनों चीज़ों से प्रोपोगेट कर सकते हैं हम इसको। टेम्परेचर 30 के लगभग ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर 30 से ऊपर जाएगा तो फिर काफ़ी, क्योंकि इसका जो है चिलिंग हवा जो इसके 200-300 घंटे की। ठीक है, ये कीवी के प्लांट है। बाकी ये जो आपका 1200 मीटर से लेके 4000 मीटर तक है, कितना टाइम की है फसल वगैरह, ये कितना टाइम पक जाती है? ये अभी हमारी अक्टूबर में आ जाए, इसमें सेप्टेम्बर के लास्ट में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। ठीक है, जब इसका TSS कोई 7 के आसपास पहुंच जाता है तो फिर हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी बहुत मेडिसिन वैल्यू वाला फ्रूट है, हार्ट वालों के लिए बहुत, इसीलिए इसकी मार्केट ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा उधर बहुत ज़्यादा मार्केट है, एक एक पीस बिकता है इसका। हाँ, वहाँ पे डेंगू फ्रूट करके बिकता है, डेंगू के लिए जो डेंगू वाले 25-30 रुपये का एक पीस बिकता है। हाँ, यहाँ तो 150 रुपये केजी, केजी में कितना हो जाता है? केजी में हमारा जो एक रेट का फ्रूट है वो 100 ग्राम प्लस होता है, जो एक रेट का है। ठीक है, 10 एक दाने आ ही जाते हैं एक केजी में। ठीक है, तो 10 से 9, 10 9, 10 इससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो अब हमारा 150 में जाएगा, आगे तो फिर बिचौली हो जाता है, तो कुछ ज़्यादा ही घुमाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, तभी तो बोल रहा हूँ 25-30 रुपये तक पहुँच जाता है एक पीस। एक पीस कई बार चार, आप किस पोस्ट पे हो सर? मैं टेक्निकल एसिस्टेंट। ठीक है, कुछ और बताना चाहोगे इसको? अब आप पूछो, यहीं से हो? हाँ, मैं यहीं का। यही एरिया संभालते हो आप? नहीं, मैं पूरा हॉर्टिकल्चर देखता हूँ। अच्छा, ठीक है, पूरा हॉर्टिकल्चर है, पार एप्पल तक है। ठीक है, वॉलनट है। ठीक है सर, कोई डिजीज भी होती है? डिजीज़ अभी तक नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। अच्छा, डिजीज़ कोई नहीं है। बाकी तो हमारी थोड़ी मैनेजमेंट नहीं ना हुई उस वक्त, क्योंकि नया फ्रूट आया हमारे को, उसके बाद प्रूनिंग का पता नहीं था और कैसे इसको प्रॉपर। फिर तो यहाँ पे और जगह भी लगा हुआ है हिमाचल में, लगा हुआ अब तो खैर थ्रू आउट हिमाचल से का, हिमाचल से अब तो यहीं से अरुणाचल में चला गया, सिक्किम में चला गया, उत्तराखंड में चला गया, कश्मीर में चला गया, और हिमाचल में तो खैर फैलेगा ही। स्पेशल खेती इस टाइप की होती है? हाँ, काफ़ी एरिया में हो रहा, बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा अब इंडिया में, और इंडिया में तो क्या जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया काफ़ी हो रहा है इसमें, पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पे ज़्यादा, पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एप्पल का सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं लोग इसको। ठीक है, क्योंकि एप्पल जहाँ एप्पल नहीं हो रहा उस एरिया में अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा। पहले देखी, हमने जानकारी मिली नहीं पहले, ये कीवी के बारे में बहुत सोचा था, पढ़ा है बस भी ऐसे पहाड़ों पे होती है और वहाँ पे ऐसे टेम्परेचर चाहिए, बाकी देखा नहीं कभी, आज देख के बहुत अच्छा लगा। इसमें ऐसा है कि इसका एज का भी कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी एज जो है 150 साल तक काउंट कर की जा चुकी है चाइना में। ठीक है, हर टाइम फ्रूट आता रहता है हर टाइम? हाँ, फ्रूट आएगा, फ्रूट तो मतलब एवरी ईयर है। फिर तो एक बार लगाने के बाद ड्रिप लगा दो, बेनिफिट है मल्चिंग के द्वारा कर दो आप, बाकी फर्टिलाइजेशन वगैरह इरीगेशन वगैरह वो तो रिसर्च का काम है, तो चलता है, स्टूडेंट बहुत है इसमें, 4-5 स्टूडेंट जो है MSc PhD कर रहे हैं। कटिंग इसकी, हाँ हरियर होती है, कटिंग होगी इसकी जैसे हम करेंगे फरवरी में। कोई सर से सवाल पूछना चाहता था पूछ सकता आके? नहीं ग्रह पर, ये इसका जो फ्रूट है नहीं ग्रोथ रहेगा, 1 ईयर ओल्ड की पहली कटिंग ग्रोथ आएगी, जैसे कि ये अंगूर। ठीक है,
ये इसका कटिंग का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जानकारी कटिंग की होनी चाहिए, नहीं तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। ये फिर इसमें दूसरी कटिंग का सिस्टम है, इसमें लंबी लंबी कैंस हो, जितनी लंबी कैन हो उतना अच्छा फ्रूट आता है। कोई और पूछ लो, कोई पूछना था तो जाते हैं। बाकी तो आपके लोगों के तो पढ़ाई का ही काम है, बाकी तो वो पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिकल हो जाए ना उसका वो ज्यादा ज्ञान हो जाता है जो आप करके दें। नेचुरल जो आंखों से देखा ना एकदम, तभी तो आ रहे हैं इधर हम घूमने के लिए। अब हमारे को दिमाग में रहेगी इसके मतलब जो दूसरे प्लांट है उसके लगते नहीं फूल वगैरह कुछ भी, ओनली पोलिनेशन के लिए वर्क करते हैं। बाकी जो वैरायटीज का थोड़ा सा आपको, ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू, ठीक है।